हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मैं प्रेम सागर आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ गया हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा लेदर वर्सेस टेनिस बॉल। लेदर की भी दो टाइप की बॉल होती है, इन दोनों के बारे में पता चलेगा आपको। अगर नहीं पता हो कि दो टाइप की बॉल कैसी होती है तो वीडियो को पूरा देखना, क्रिकेटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अगर आप इन दो बॉलों के बारे में नहीं जानते और बस डेली खेलते रहते हो तो आपको बहुत ही डिसएडवांटेज होने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, दो टाइप की बॉल होती है, एक टू पीस बॉल और एक फोर पीस बॉल। मैं दो जो टू पीस बॉल होती है मैं इससे कभी नहीं खेलता, बस आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, बट इससे मैं नहीं खेलता। क्यों नहीं खेलता वीडियो में पता चलेगा आपको। जो टू पीस बॉल होती है वो 100-120 तक आ जाती है और जो फोर पीस होती है वो 140-150-160-200-350 तक आती है। तो गाइस, इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर आप इससे खेलते हो, टू पीस बॉल से खेलते हो, तो डर होता है आपका बैट फटने का, क्योंकि ये बॉल जो होता है इसका मटेरियल अच्छा नहीं होता और जो फोर पीस होता है उसमें अच्छे अच्छे मटेरियल लगे होते हैं। इसमें ये सीन होता है कि यह बॉल बहुत हार्ड होता है। तो अगर ये बॉल आप खेलते जाते हो और अगर ये बॉल 5-10 ओवर में नहीं फटती तो इट मीन्स आपका ये बैट फाड़ देगा, क्योंकि इतना ये हार्ड हो जाता है। बट ये बॉल ऐसा नहीं होता, इसको कस्टमाइज अच्छी तरीके से करा जाता है। तो गाइस, अगर आप बिगिनर हो, एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, अगर आप नया बैट लेते हो तो टू पीस बॉल उस पर कभी मत करना। मतलब अगर आप स्ट्रोक निकाल रहे हो टू पीस बॉल से तो बैट जरूर फट जाएगा, क्योंकि स्ट्रोक निकलता नहीं है, वो जब उस पर लगता है तो उसको क्रैक करता जाता है। तो याद रखना, कभी आपको नया बैट से टू पीस बॉल से नहीं खेलना है, ऑलवेज फोर पीस बॉल से उसके स्ट्रोक्स बनाने और खेलना है। एकदम से टॉपिक ही चेंज हो गया था, बट हम बात करते हैं लेदर बॉल वर्सेस टेनिस बॉल। तो गाइस, जो लेदर बॉल होता है इसको हम ग्रिप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसको हम सीम से पकड़ के फेंक सकते हैं। बट जो टेनिस बॉल होता है, टेनिस बॉल में कोई ग्रिप नहीं होता, कहीं से भी पकड़ो आप, कहीं से भी डाल सकते हो। सेकंड जो होता है, जो लेदर बॉल होता है वो कम बाउंस करता है, उसके लिए आपको शोल्डर में आपके पावर होनी है अगर आपको बाउंस करानी है। तो इट मींस आपको शॉट फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फुल से तो कभी बाउंस नहीं करा पाओगे। बट ये बॉल है आपको गुड लेंथ से भी इतना बाउंस दे देगी कि आप खेल नहीं पाओगे। तो इट मींस हमारी जो टेनिस बॉल होती है उससे आपको बाउंस ज्यादा मिलता है और लेदर बॉल से बाउंस कम मिलता है। और गाइस, जो लेदर का जो प्राइस होता है वो बहुत हाई होता है टेनिस बॉल से। जो लेदर का मिलता है हमें 4 पीस 200-350-400 ऐसे मिलता है, बट जो टेनिस बॉल होता है वो हमें 50-100 के रेंज में मिल जाता है। और दोस्तों, जो लेदर बॉल होती है वो बहुत हार्ड होती है, लगती है तो दर्द होता है, बट टेनिस बॉल से ऐसा कुछ नहीं है। आप इजी फुल शॉट की प्रैक्टिस कर सकते हो, बट लेदर बॉल से ज्यादा मत। गाइस, एमपीएल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाओ एमपीएल ऐप डाउनलोड करो और अपनी टीम बनाओ। और कोई भी मेरे जो सब्सक्राइबर में से आईफोन जीतता है तो थैंक यू कमेंट में लिख देना। गाइस, वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही क्रिकेट टिप्स वीडियोस के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।